ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अरेस्ट है विशाल जू, उनके केस में हमने उनके सामने पूरा पक्ष रखा। वो पहले से टच में है और कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने आज एम्बेसी में, आज सुबह ही उनकी बात हुई ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से, उन्होंने हमें विश्वास जताया कि भाई जल्दी ही हम इसको वहाँ से डिपोर्ट करवा लेंगे। कुछ और लीगल इश्यूज थे वो भी उन्होंने चर्चा करी। दूसरा मेरा एक सबमिशन था उनके आगे, अभी कुछ दिनों से मीडिया से हमें पहले ये जानकारी मीडिया में बताया गया कि उसके ऊपर कोई और केस है, ऐसा वैसा जो आरोप प्रत्यारोप या इस तरह की बातचीत हमारे सामने आई, तो मैंने उनके सामने एक बात रखी। हालांकि ये बात उन्होंने नहीं कही जो मेरे संज्ञान में, मैं कल को इस बात का भी इशू ना बने, तो मैंने कहा जी किसी का कोई भी कभी मामला रहा हो, लेकिन ये एक एग्जाम्पल ऐसा उस युवा साथी ने दिया है जिससे देशभक्ति आदमी के अंदर, जिसके अंदर है वही दे सकता है, और वो बोल्ड था तभी तो इतनी हजारों की भीड़ में जाकर जो तिरंगे को पैरों के नीचे रोंद रहे थे उसने तिरंगा लेकर उसको भारत माता की जय के नारे लगाए। ये एक बड़ी बहादुरी की मिसाल है और देशभक्ति की मिसाल है। इस बात को माननीय विदेश मंत्री जी ने स्वीकार किया, नहीं बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार करते हैं और उसके लिए पूरी तरह से प्रयास है। सर कोई लीगल एड देने की कोशिश है? 100% पूरी एम्बेसी उनके टच में। पहले क्या था कि वो खुद ही बहुत ज्यादा विलिंग नहीं था एम्बेसी के या किसी से बातचीत करने में, तो जैसे 16 तारीख को मेरे संज्ञान में मामला आया, अपने लेवल पे प्रयास किया, तो उनके परिवार जनों से, जो पहले एक रुकावट भी थी कि कोई मिलने को नहीं था, उनके कोई रिलेटिव है वहां पर, उनके माध्यम से भी संपर्क किया। फिर एक वो डायबिटिक पेशेंट है, हमें पहले जानकारी थी, परिवार वालों ने भी नहीं बताया, अभी मेरी परिवार वालों का फोन आया तो मैंने उनको बताया आपको बताना चाहिए था, तो वहां से उनको जो डायबिटिक थे उनको शुगर की मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई गई और करेक्शन सेंटर के अंदर भी उनको रखा गया ताकि वो अच्छे से ओके हो जाए। और दूसरा एक विषय था मेरे ही लोकसभा क्षेत्र का, समालखा सिटी से विनोद बेनीवाल है, उनके मिसिस और उनके माताजी 19 तारीख को मेरे को मिले थे, तो वो भी मोजाम्बिक में एक मिलिटेंट ग्रुप है अल शबाब, उन्होंने उनको अरेस्ट कर रखा, रैंसम मनी उनसे मांग रहे, ऐसा काफी ज्यादा मांग रहे हैं। वो 3 इंडियंस को उन्होंने उठाया था और जिसमें से एक का उन्होंने मर्डर किया, एक को पैसा लेके उन्होंने छोड़ा है, इनके लिए बातचीत चल रही है। इनके भी ब्रदर इन लॉ है, सांडू है, वो हाई कमीशन में अच्छी पोस्ट पर है, तो वो भी संपर्क में है, तो उसकी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उनको भी आतंकवादियों से छुड़ा लिया जाएगा। सर विदेश मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने विश्वास दिया मैं पूरी तरह से टच में हूँ और उन्होंने अधिकारी को भी बुलाया हमारे सामने भी बात करवाई, तो 100% हो जाता है जल्दी ही दोनों अपने रिहा कर उनको आतंकवादियों से और उनको ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है सर, थैंक यू सर।